Pushot. 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 Good dog, yeah. Go get it. Pushot. Good dog, yeah. ये गिरे भाई तो गुड शॉट, गुड हो गया, वो थोड़ा सा शॉट, हाँ छुरी चाव ये तो डम्बी है ये तो हाँ देख लो साहब गुड शॉट गाइस ये तो साजिद भाई ने शॉट लिया माशाल्लाह। साजिद भाई स्लिंग शॉट दिखाएं अपना, ये है जी हमारा स्लिंग शॉट जिससे हमने टारगेट किया, सो गुड हो गया। साजिद भाई क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर को? ये कहना चाहूंगा कि हमारी सपोर्ट करें, मेहरबानी होगी। ओके ओके हो गया। ओके अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वहीद का व्लॉग। तो उम्मीद करेंगे आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज की जो वीडियो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, कमाल की और लेवल की होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि हंटिंग जो है इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरे भाई हंटिंग की वीडियो करके मुझे सेंड कर देते हैं। मैं आया हूँ कराची, यहाँ पर कुछ मेरे अपने काम थे वो मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद आपको पता है मेरे पेपर भी हो रहे हैं। सो इंशाल्लाह इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, आप भी आएँ हमारे साथ इंजॉय करें। आज मैं जा रहा हूँ कुछ मुख्तलिफ लोकेशन पर, आपको इंशाल्लाह आज काफ़ी खूबसूरत चीज़ें भी दिखाऊंगा और यहाँ कराची शहर की इंटरेस्टिंग जगहें भी दिखाऊंगा। सो हमारी वीडियो के साथ रहें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सनशाइन पार्ट टू पर, ये सनशाइन की दूसरी शाख है, अभी मैं आपको सनशाइन की तीसरी शाख भी दिखाऊंगा। ये है जी विवस सनशाइन ब्रांच, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है, और इस पर जो स्टाफ है सो वो भी काफ़ी खूबसूरत है। इसमें नाश्ता भी होता है हफ्ता इतवार का, हलवा पूड़ी का, और उसमें समोसे जो है 12 बजे से लगकर शाम 7 बजे तक मिलते हैं। अभी आपको इसके अंदर का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। सो माशाल्लाह ये है जी सनशाइन ब्रांच शाख टू, एक मौसमियात पे और एक गाइस पीए पे है, और इनकी जो तीसरी शाख है वो है जमशेद पर। हर चीज़ आपको ज़रूरत की गाइस यहाँ पर मिलेगी माशाल्लाह, और यहाँ पर बैठकर खाने की सहूलत भी मैसर है। आप हफ्ते इतवार का आकर नाश्ता भी यहाँ कर सकते हैं, और भी आप माशाल्लाह यहाँ पर आके इंजॉय कर सकते हैं। सो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लुक है सनशाइन का। अभी आपको इनकी तीसरी ब्रांच भी मैं इंशाल्लाह विज़िट कराऊंगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी इनकी तीसरी ब्रांच को एक्सपोज करेंगे, और उसकी जो आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाएंगे। यहाँ पर हर किस्म की केक वगैरह मौजूद हैं, और हर किस्म की स्वीट्स मिठाई वगैरह आपको मिलेगी। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आएँ और सनशाइन को ज्वाइन करें। माशाल्लाह जो भी चीज़ होगी इनकी ये अपनी मतलब अच्छे क्वालिटी में देंगे, और ये इनका 5 या 10 रुपए रेट दूसरों से शायद ज़्यादा हो, मैं कह सकता हूँ कि होगा, लेकिन इनकी चीज़ जो होगी दूसरों से निस्बत से काफ़ी खूबसूरत अच्छी होगी, और टेस्ट में भी अच्छी होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। हम में से कुछ लोगों की आदत होती है, वो कहते हैं कि हम जो भी बात है उसे मुँह पर उसका जवाब देते हैं, मतलब हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, लेकिन एक्चुअल उन लोगों को यह नहीं पता कि स्ट्रेट फॉरवर्ड का मीनिंग क्या है। स्ट्रेट फॉरवर्ड में यह है कि आप उस अगले इंसान के मुंह पे अगर उसने कोई आपके साथ बैड रिएक्शन लिया है
तो फौरी तौर पर आप उसको जवाब देती हैं। मीन उसका रिएक्शन इतना बैड नहीं होता, लेकिन जो आपका रिएक्शन होता है वो उसको हर्ट करता है। तो यहाँ पर आप जब ऐसी चीज़ें फील करें तो कुछ देर के लिए अपने आप को रोक लें। लाइकवाइज जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ कि इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में, साइकोलॉजिकल टर्म में कहते हैं इम्पल्सिव बिहेवियर। इम्पल्सिव बिहेवियर में ऐसा होता है कि जब इंसान के माइंड में बात आती है तो वो बगैर सोचे समझे आप जैसे ही अपने बिहेवियर में पॉजिटिविटी लाएंगे, अपने बिहेवियर को कूल डाउन करेंगे, अपने रिएक्शन को थोड़ा सा लेट करेंगे, वो इंसान डेफिनेटली सोचेगा कि इस इंसान ने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया। वो भी इस मैटर पे सोचेगा कि इसने मुझे आंसर नहीं दिया, इसने मुझे के बैड रिप्लाई नहीं किया, तो डेफिनेटली आपके साथ जुड़ा रहेगा। अगर आप वही स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली बात करेंगे कि हमारे मुँह में जो आता है हम सीधा कर दें, तो फिर इस बात को माइंड से निकाल दें कि कोई भी इंसान आपके साथ फॉर एवर जुड़ा रहेगा। इंसान आपसे दूर भागेंगे, कोई भी आपके करीब आने की कोशिश कभी नहीं करेगा, क्योंकि बिहेवियर ही एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को करीब भी लाती है और इंसान को दूर भी लाती है। अपने बिहेवियर को पॉजिटिव करें, अपने आप को कूल डाउन करें, अपने आप को गैप लाएं, थोड़ा सा गैप लाएंगे आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली कूल डाउन हो जाएगा। अगर आप हाइपर कंडीशन में रहेंगे तो आपकी कभी भी आप जैसे ही अपने बिहेवियर में पॉजिटिविटी लाएंगे, अपने बिहेवियर को कूल डाउन करेंगे, अपने रिएक्शन को थोड़ा सा लेट करेंगे, वो इंसान डेफिनेटली सोचेगा कि इस इंसान ने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया। वो भी इस मैटर पे सोचेगा कि इसने मुझे आंसर नहीं दिया, इसने मुझे के बैड रिप्लाई नहीं किया, तो डेफिनेटली आपके साथ जुड़ा रहेगा। अगर आप वही स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली बात करेंगे कि हमारे मुँह में जो आता है हम सीधा कर दें, तो फिर इस बात को माइंड से निकाल दें कि कोई भी इंसान आपके साथ फॉर एवर जुड़ा रहेगा। इंसान आपसे दूर भागेंगे, कोई भी आपके करीब आने की कोशिश कभी नहीं करेगा, क्योंकि बिहेवियर ही एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को करीब भी लाती है और इंसान को दूर भी लाती है। अपने बिहेवियर को पॉजिटिव करें, अपने आप को कूल डाउन करें, अपने आप को गैप लाएं, थोड़ा सा गैप लाएंगे आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली कूल डाउन हो जाएगा। अगर आप हाइपर कंडीशन में रहेंगे तो आपकी कभी भी इंसान उसी इंसान के साथ खुश रहता है जो एक दूसरे की खूबी और खामियों को समझते हैं। पर यहाँ पर कोई भी इंसान अगर आप कहें कि परफेक्ट है, तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। आप किसी के साइको को समझें, उसके माइंड को रीड करें, शायद वो उस टाइम किस सिचुएशन में हो रहा हो कि उसने आपके साथ ऐसे गुस्से में बात की हो। अगर आप सिमिलरली उसको ये जवाब इसी तरीके से हाइपर वे से देंगे, तो वो कभी भी इंसान आपके करीब नहीं होगा। इसलिए अपने जब भी आप इम्पल्सिव बिहेवियर की सिचुएशन में आए, जिसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं और आपके मैंने मुँह पर बात करना कहते हैं, इसमें से निकलें, तो आप बहुत जल्दी अपनी रिलेशनशिप्स आपके बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे जिनके भी साथ हैं, और लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और लोग आपको कभी ये सोचेंगे भी नहीं कि वो आपको अपनी लाइफ में से निकाल दें और दूसरे लोगों को अपनी लाइफ में लेकर आएं। आप जब आप पॉजिटिव वे थोड़ा सा गैप लाएंगे, आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली कूल डाउन हो जाएगा। अगर आप हाइपर कंडीशन में रहेंगे तो आप कभी भी सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। अपने हल्के और अपनी ज़ात को कूल डाउन करें और अपने आप को पॉजिटिव वे से लेकर चलें। जैसे अगर कोई, मैंने पहले भी आपको बताया, अपने ध्यान को जैसे आप, मैंने आपको टाइम का बताया, थोड़ा सा आपका लेट कर दें कि नहीं इसको एक घंटे बाद मैं जवाब दूंगा। एक घंटे या दो घंटे में इंसान का माइंड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है और उसके रिलेशनशिप भी मजबूत रहते हैं, और वो फिर ये भी नहीं सोचता कि लोग मुझे छोड़ क्यों रहे हैं। एक्चुअल दरमियान में बात ये होती है कि जो लोग मुँह फट होते हैं उनके करीब कोई इंसान रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि इससे लोगों की ईगो हर्ट होती है और हर इंसान अपने ईगो को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। चाहे वो किसी भी कैटेगरी का इंसान हो, उसको अपनी ईगो से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। इसलिए किसी की ईगो को हर्ट करने से बेहतर है कि आप वेट करें और आप देखें कि कब, और वेट रहते हैं और वो फिर ये भी नहीं सोचता कि लोग मुझे छोड़
क्यों रहे हैं। एक्चुअल दरमियान में बात ये होती है कि जो लोग मुंह फट होते हैं उनके करीब कोई इंसान रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि इससे लोगों की ईगो हर्ट होती है और हर इंसान अपनी ईगो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। चाहे वो किसी भी कैटेगरी का इंसान हो, उसको अपनी ईगो से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। इसलिए किसी की ईगो को हर्ट करने से बेहतर है कि आप वेट करें और आप देखें कि कब, और वेट आप जैसे ही अपने बिहेवियर में